वेलकम माई चैनल आशा सक्सेना। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, विशेषकर हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे वीडियो देखकर कोर्स कर रहे हैं पार्लर का, उनके लिए हम ये लेकर आए हैं कि वो किस तरह से अपनी प्रैक्टिस को बरकरार रखें और किस तरह से घर बैठे प्रैक्टिस कर सकें। ये देखिए, आज हम आपको तीन तरह की हेयर कटिंग सिखाएंगे और उस तीन तरह की हेयर कटिंग के अलावा हम आपको बताएंगे कि ट्रिमिंग और हेयर कटिंग में क्या अंतर है। इन दोनों चीजों में काफी अंतर है। कई बार ऐसा होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं, नया पार्लर खोला है या पूरी तरह से समझ में नहीं आती है कि कटिंग और ट्रिमिंग में क्या अंतर है। तो उसके अकॉर्डिंग कई बार क्लाइंट कहते हैं कि हमें ट्रिमिंग करवानी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको ट्रिमिंग करनी चाहिए। हेयर कट कैसा भी हो, उसके हिसाब से हमको ट्रिमिंग करनी चाहिए। अगर हेयर कटिंग के लिए क्लाइंट आता है तो हेयर कटिंग का मतलब ये होता है प्रॉपर कटिंग हमको करनी है, तो शेप हमको देना है, जो भी नया लुक देना है उसको किस तरह से करेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह से तीन हेयर कटिंग हम आपको बताएंगे। और ये देखिए, ये आर्टिफिशियल हेयर है, कोई क्लाइंट नहीं है, हमने चेयर पर सेट किया हुआ है। आप अपने घर पर किसी भी चेयर पर सेट करिए और सेट करने के बाद में प्रैक्टिस करने का तरीका आप देखिए कि इन आर्टिफिशियल हेयर में हम आपको कटिंग बताएंगे। सबसे पहले देखिए, ये थोड़े उलझे हुए हेयर होते हैं तो हमको इनको अच्छे से सुलझा लेना चाहिए। हम बहुत तेजी से नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये इस तरह से हमने सेट किया हुआ है तो फिर बाहर आ जाएगा। आप देखिए, ये सुलझे हुए हेयर हैं। हेयर को सुलझाने का काम सबसे पहले हमको करना है और उसके बाद में देखिए, ये वाटर स्प्रे करेंगे। वाटर स्प्रे करने के लिए आपके पास जरूर कोई ना कोई बॉटल होगी, जैसे कि सैनिटाइजर की होती है, उसको भी आप यूज में ले सकते हैं। उसमें पानी भरकर आप इस तरह से करिए। ये हमने हेयर को गीला किया है। गीला करने के बाद देखिए, हम बहुत धीरे धीरे इन हेयर को कॉम करेंगे। गीला इसलिए किया है कि नेचुरल हेयर हैं या आर्टिफिशियल हैं, हेयर तो हेयर होते हैं लेकिन फिर भी जो छोटे छोटे हेयर होते हैं वो अलग दिखाई देते हैं, उड़े उड़े दिखाई देते हैं। अभी देखिए, वाटर स्प्रे करने के बाद में ये हेयर एकदम ऐसा लग रहा है जैसे सेट हो गए हैं, कोई बिल्कुल प्लेन हेयर हमको दिखाई दे रहे हैं। तो कटिंग में बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में, आसानी के साथ में ये हेयर का कट होगा। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने हेयर कटिंग का लिए एक तैयारी का काम कर दिया है, कॉम करके हेयर को सुलझा दिया, वाटर स्प्रे कर दिया। अब ये कॉम बताते हैं आपको, ये वाला हेयर कटिंग में कॉम काम आता है, सबसे ज्यादा काम आता है। ये मोटे हेयर जो हम ज्यादा बारीक कॉम से अगर हेयर को सुलझाएंगे तो फिर झड़ते बहुत हैं, उलझते बहुत हैं, इसलिए पहले सबसे पहले हमने ये जेट कॉम है इससे हमने हेयर को सुलझाया, उसके बाद में इससे हम सुलझाएंगे तो और भी ज्यादा ठीक रहेगा। ये हेयर कटिंग का कॉम है। दूसरा, पार्टिंग करने के लिए, ये इसको टेल कॉम बोलते हैं क्योंकि इसकी आप देख रहे हैं ये पूंछ की तरह है, पार्टिंग करने में बहुत ही आसानी रहती है। जैसे इस तरह से हमने पार्टिंग की किसी भी हेयर कटिंग में, तो ये टेल कॉम इसलिए काम में आता है। तो अभी तो हम देखिए आपको तीन हेयर कटिंग में स्ट्रेट हेयर कटिंग बताएंगे, इसके अलावा लाइट यू शेप बताएंगे और डीप यू शेप बताएंगे। ये तीन तो हेयर कटिंग बताएंगे और उसी में आपको बताएंगे कि किस तरह से हम ट्रिमिंग करेंगे और किस तरह से हेयर कटिंग करेंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ, और उस पर जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप हमारे वीडियो का पूरा पूरा लाभ उठा सकें। फ्रेंड्स, हमारे काफी सारे व्यूजर्स हैं, हमारे देखिए कम से कम अभी 36 लाख के करीब हमारे हैं, लेकिन हमारे जो सब्सक्राइबर हैं बहुत कम हैं, अभी 40,000 होने वाले हैं, इतना अंतर है। तो देखिए, आपके एक छोटे से काम से अगर हमारी प्रोग्रेस जुड़ी हुई है तो आप उसको बिल्कुल भी करना नहीं भूलिएगा, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज आप हेल्प हमारी जरूर करिए जिससे कि हम प्रोग्रेस कर सके। तो देखिए, ये हमने हेयर को सुलझा दिया, और सुलझाने के बाद में देखिए बहुत ही आसानी से हम
स्ट्रेट हेयर कटिंग का जो करने का तरीका है वो आपको बताएंगे। जैसा कि हम बता रहे हैं आपको कि स्ट्रेट हेयर कटिंग का मतलब होता है सीधी कटिंग करना, बिल्कुल स्ट्रेट करना। स्ट्रेट का मतलब बिल्कुल सीजर को भी हमको सीधा चलाना है, तभी वो सीधी कटिंग होगी। तो ये सीधी कटिंग बहुत आसान है। बिल्कुल आप भी सोच रहे होंगे कि मैम क्या बता रही हैं, स्ट्रेट हेयर कटिंग तो कोई भी कर देता है, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रॉपर तरीके से करने का मतलब ये खूब अच्छे से हमने हेयर को सुलझाया, हेयर को कॉम किया, उसके अंदर से जो हेयर निकलते हैं छोटे बड़े निकलते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है अगर हम तरीके से नहीं करेंगे। तो हमने जड़ से अच्छे से खूब कॉम किया है और कॉम करने के बाद में देखिए ये स्ट्रेट हेयर कटिंग आपको करके बताएंगे। स्ट्रेट हेयर कट जितना सिंपल है, ये हेयर कट जितना सिंपल है उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे सारे हेयर कटिंग की रीढ़ की हड्डी है, इसी के ऊपर डिपेंड करता है बाकी हमारी सारी कटिंग का। तो इसलिए आप इसको अवॉइड ना करें, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें। सीजर चलाना हम इसी हेयर कटिंग से सीखते हैं। तो ये हेयर कट जितना यूजफुल है उतना इजी भी है और इतना महत्वपूर्ण भी है। देखिए ये हमने कॉम किया है, आप देख रहे हैं कि अभी काफी छोटे बड़े हेयर हैं। हम ऊपर करके बताते हैं आपको, ये इस तरह से, ये इतना छोटे बड़े हेयर है, ये देखिए आप, और ये इतना। तो हमको कटिंग अगर करनी है तो कितनी करेंगे हमको ये, मेरी क्लाइंट को मान लीजिए ज्यादा शॉर्ट हेयर नहीं करने हैं, नहीं करवाने हैं, तो हम ये गाइडलाइन को देखेंगे। गाइडलाइन हमारी ये है, गाइडलाइन उसको बोलते हैं जो सबसे पहले जो छोटा हेयर नजर आता है, ये सबसे बड़ा हेयर है, इसके बाद में कोई बड़े हेयर नहीं है और ये छोटा हेयर है। तो इस हेयर के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे, क्योंकि इससे हम नीचे जा नहीं सकते, क्योंकि फिर छोटे हेयर बाद में दिखाई देंगे तो वो खराब लगेंगे और स्ट्रेट हेयर कटिंग हमारी पूरी तरह से नहीं हो पाएगी। तो देखिए ये हमने कॉम किया है और अब हम सीजर को बिल्कुल सीधी चलाएंगे। ये देखिए, ये गाइडलाइन आपको एक बार फिर से दिखा दें हम, ये रही। तो इसलिए हमको ये इतने हेयर का कट करना है। आप ये मान लीजिए ये 3-4 इंच के लगभग का हेयर कट होगा, 3.5 के करीब और 4 इंच के बीच का कट होगा, तब जाकर ये इस गाइडलाइन से मैच होगा। ये देखिए करने का तरीका, हमने कॉम किया है और इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट हेयर कटिंग करेंगे। हाथ को हम इस तरह से लगा लेंगे जिससे कि हेयर हमारे कंट्रोल में रहे और अच्छे से देखिए इन हेयर का कट हम करेंगे। अगर लेयर हेयर कटिंग पहले से की हुई है तो काफी मुश्किल काम होता है, तो उसमें कटिंग करना वास्तव में काफी दिक्कत वाला काम होता है, लेकिन काफी लेंथ कम हो जाती है उस हेयर कटिंग में। ये देखिए ये बिल्कुल सिमेट्री के साथ में हेयर कट हो गया। फिनिशिंग हम बराबर देंगे। अब एक बार चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि इन हेयर को हम इस तरह से, हमने ग्रिपिंग अगर कर ली है, आप देखिए ग्रिपिंग हमने की है, तो हेयर को हम किसी भी डायरेक्शन में लेकर जाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे हम यो ले जाए, चाहे ऐसे ले जाए, चाहे ऐसे ले जाए, चाहे ऐसे ले जाए। ग्रिपिंग का मतलब ये होता है फिंगर में हमने हेयर को फंसा लिया है और एक उनकी जो पकड़ है हमारी फिंगर में है, तो उससे हेयर हमारे आगे पीछे नहीं होंगे। ये देखिए ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में इस तरह से हम फिनिशिंग दे देंगे और चेक करने के लिए भी ये आसान तरीका है। ये देखिए, विश्वास है आपको दिख रहा होगा कि सारे हेयर ये एकदम
स्ट्रेट हेयर कटिंग के साथ में हमको दिखाई दे रहे हैं और लेवल में आ गए हैं। पहले आपने देखा काफी छोटे बड़े थे और अभी बिल्कुल लेवल में हैं। और देखिए इसका तो फर्क पड़ता ही है कि ये बेजान हेयर है, आपको सिखाने के लिए हम बता रहे हैं। बाकी नेचुरल हेयर होते हैं उसमें इतनी मुश्किल कटिंग में नहीं होती है जितनी इसमें हो रही है, लेकिन फिर भी हम सिखाने के तौर पर आपको ये देखिए, ये बिल्कुल स्ट्रेट हेयर कटिंग हो गई है। अब बात करते हैं हम ट्रिमिंग की, साथ के साथ हम ट्रिमिंग भी बताएंगे आपको। देखिए ट्रिमिंग का मतलब ये है कि हम जो कटिंग की हुई है, जैसे स्ट्रेट हेयर कटिंग है तो इसमें हमको ट्रिमिंग करना है। क्लाइंट ने कहा मैम आप ट्रिमिंग कर दीजिए, हमको ज्यादा हेयर शॉर्ट नहीं कराने हैं। तो ट्रिमिंग का मतलब होता है आधी इंच से लेकर डेढ़ इंच तक के हेयर का कट करना, और डेढ़ भी नहीं तो एक इंच मान लीजिए, क्यों कि अगर डैमेज हेयर डेढ़ इंच तक है तो हमको डैमेज हेयर निकालने के लिए उसको ट्रिमिंग बोलते हैं। बहुत ज्यादा हाइट पर नहीं ले जाएंगे, आधी इंच से डेढ़ इंच तक के हेयर का जो कट करते हैं, डैमेज हेयर को रिमूव करते हैं, उनको हम ट्रिमिंग बोलते हैं। तो स्ट्रेट हेयर ये कटिंग हो गई। ट्रिमिंग का मतलब ये है कि जैसी भी कटिंग की हुई है उसी कटिंग में हम ट्रिमिंग करें, उसी शेप में हम कटिंग करें, क्योंकि शेप अगर हम दूसरा लेंगे तो वो कटिंग हो जाएगा। उसी शेप में डैमेज हेयर को निकालने को हम ट्रिमिंग कहते हैं। तो ये स्ट्रेट हेयर कटिंग है, तो इसमें देखिए हमको ट्रिमिंग अगर करनी है तो हम बिल्कुल आधे इंच के लगभग का ट्रिम करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा ट्रिम करेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि हमने ये बताया है, तो ये तो स्ट्रेट हेयर कटिंग हो गई। अब आधे इंच के लगभग का अगर हमको, क्योंकि डैमेज हेयर तो अभी हमने आपको कट करके बताया है तो आप समझ गए हैं कि स्ट्रेट हेयर कटिंग इस तरह से है, उसमें ट्रिमिंग हम आधे इंच के लगभग का करेंगे। और डैमेज हेयर को रिमूव करने का नाम ही ट्रिमिंग के लिए हम थोड़े थोड़े हेयर को करेंगे, तो स्प्लिट एंड्स वाले हेयर भी निकल जाते हैं, रफ हेयर भी निकल जाते हैं, और कई बार आपने देखा पूंछ जैसी हो जाती है तो वो भी हेयर सारे हट जाते हैं। ये स्ट्रेट हेयर कटिंग हो गई और साथ में हमने ट्रिमिंग बता दिया। अब दूसरा हम बताते हैं यू शेप, लाइट यू शेप हेयर कट। लाइट यू शेप हेयर कट देखिए सबसे अच्छा तरीका आपको बता दें, ये हमने लिया दोनों साइड से कुछ हेयर को हमने लिया, और लेने के बाद में दोनों साइड से हम लेंगे, ये आर्टिफिशियल हेयर है इसलिए थोड़ा ऐसा है, क्लाइंट की इतनी मुश्किल नहीं होती है। ये देखिए थोड़े थोड़े हेयर को हमने ये लिया है गाइडलाइन बनाने के लिए। अब आप देख रहे हैं कि लेयर हेयर कटिंग के बाद में काफी कुछ ये छोटे बड़े हेयर अंदर से भी निकलते हैं, है ना। तो ये हम गाइडलाइन इसको बनाएंगे, ये आप देख रहे हैं ये छोटे हेयर हैं और इसको हमने देखिए कट किया, ये हमारे हेयर कटिंग की यू शेप हेयर कटिंग की गाइडलाइन हो गई। अब क्या करेंगे, दोनों साइड को इस तरह से कर देंगे, देखिए अब हम इसके अकॉर्डिंग ही कट करेंगे। जैसे ये हमने कट किया है आप देख रहे हैं गाइडलाइन को, इस गाइडलाइन के अनुसार ही हम कट करते हुए जाएंगे। ये देखिए बहुत ही आसान तरीका है, हमको लेंथ कम नहीं करनी है बहुत ज्यादा, लेकिन थोड़े हेयर तो कट करने ही होंगे शेप लेने के लिए। ये देखिए इस तरह से हम कट करेंगे। आप यहाँ का पोर्शन देखिए, आप बिल्कुल यू शेप आ गया। अब हम इधर ये हमारी जो गाइडलाइन थी इससे हम मैच करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। अगर हम मैप के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो हमारा काम भी अच्छा होगा और क्लाइंट भी खुश होगा। अगर आपको दिक्कत है तो कॉम यहाँ बालों में फंसा सकते हैं। ये हमने गाइडलाइन तक कर दिया, ये देखिए यू शेप है
ना कोई ड्रायर है, ना कोई हेयर सेटिंग है। अभी आपको सिखाने के लिए हमने नेचुरली हेयर कट करके बताया है। ये लाइट यू शेप हो गया। अब हम डीप यू शेप की बात करते हैं। तो डीप यू शेप हम किस तरह से करेंगे? हम यहां से लेंगे बाल शोल्डर से, हेयर की लेंथ के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि हमको किस तरह से कितना यू शेप लेना है। तो हम फ्रेंड्स यहां से लेते हैं, ये हमारी गाइडलाइन हो गई। और गाइडलाइन होने के बाद देखिए, ये हम सेंटर में लेकर आएंगे सारे बालों को। सेंटर में लाने के बाद हम इन हेयर का डीप यू शेप हेयर का कट करेंगे। ये शोल्डर से थोड़ा नीचे, शोल्डर से नहीं स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए ये शोल्डर है, देखिए ये शोल्डर है, पर हम यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे। इसके नीचे हम 3-4 अंगुल के करीब, आप मान लीजिए इंच के करीब, 4 इंच के नीचे हम कट करेंगे। यहाँ से देखिए, ये इतना लेंगे, फिर इसको कट कर दिया, हम ऊपर लाकर आपको दिखाते हैं। ये हमने अपनी गाइडलाइन बना दी। देखिए ग्रिपिंग अगर सही है तो किसी भी डायरेक्शन में हम हेयर को लेकर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल इक्वल हेयर रहेंगे। ये हमने गाइडलाइन बना दी। अब इसके अकॉर्डिंग ही देखिए, ये हमने लिया और एक इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम देखिए अब कॉम करके इस तरह से तिरछी सीजर लेंगे। यू शेप में हमको तिरछी सीजर लेनी है। और आसानी से एक तरीका और बताते हैं आपको। इसके हमने जो हमारे पास हेयर है उसके 2 पार्ट कर दिए, ठीक है। 2 पार्ट करने के बाद में अब हम इन हेयर का गाइडलाइन के अनुसार कट करेंगे। ये गाइडलाइन हमारी दिखाई दे रही है, आप भी देख रहे होंगे, ये गाइडलाइन है ना। और इस गाइडलाइन के अनुसार ही हमको कट करना है। देखिए हम तिरछी सीजर लेंगे, ये बिल्कुल तिरछी लेंगे। और एक बात हम बता दें कि नेचुरल जो हेयर होते हैं वो आसानी से कटते हैं, और ये जो आर्टिफिशियल हेयर है काफी मुश्किल से कटते हैं। फिर भी हमने कहा आपको प्रैक्टिस के लिए, एक आइडिया हमारे दिमाग में आया, तो इससे ये है कि आप घर बैठे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल हमने 2 पार्ट में कर दिए, हेयर को डिवाइड कर दिया, और ये आधे हेयर का कट हो गया बड़ी आसानी से। अगर आपको वास्तव में प्रॉब्लम आती है, यू शेप में बिल्कुल प्रॉब्लम आती है, जब तक कि फिनिशिंग के साथ में यू शेप नहीं होगा, हमारा यू शेप बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। ये हाफ हमने कर दिए, ये इस साइड हमने सेपरेट कर दिए। अब देखिए ये है, ये गाइडलाइन है हमारी जो हमने बनाई थी। अब आप देखिए इस गाइडलाइन को हम यहां से करेंगे। गाइडलाइन से मैच करना है हमको हेयर को, तो तिरछी सीजर बिल्कुल चलाएंगे। ये देखिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से बिल्कुल कर सकते हैं यू शेप हेयर कट। कई बार हमारे जो स्टूडेंट हैं या हमारे फ्रेंड्स हैं, उनको दिक्कत आती है कि मैम हम करते हैं तो कभी तो छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है। तो उसका ये रीजन है, पॉज करना। इसको हम इस तरह से जो गाइडलाइन बनाई है उसके अकॉर्डिंग हमने मैच कर दिया। और मैच करने के बाद देखिए आप, बिल्कुल डीप यू शेप हो गया है। और आप देख रहे हैं कि कोई हमने सेटिंग नहीं की है, ड्रायर नहीं किया है, या कोई प्रेसिंग नहीं की है, फिर भी यू शेप हेयर कट आपके सामने। तो फ्रेंड विश्वास है आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेट हेयर कटिंग और लाइट यू शेप और डीप यू शेप, ये आपकी 3 कटिंग हो गई। अब इसमें हम बताना चाहेंगे कि इन 3 हेयर कटिंग की आप प्रैक्टिस करिए। और ट्रिमिंग का मतलब ये होता है, अगर स्ट्रेट हेयर कटिंग है तो उसमें ट्रिमिंग करेंगे, डैमेज हेयर को रिमूव करेंगे, तो वो स्ट्रेट हेयर कटिंग में, स्ट्रेट हेयर कटिंग की ट्रिमिंग कहलाएगी। और लाइट यू शेप और डी यू शेप, उसमें अगर हम डैमेज हेयर को निकालेंगे, एक अच्छी सी फिनिशिंग देंगे, आधी इंच से 1 इंच तक के हेयर को
कट करेंगे या 1.5 इंच तक की कट करेंगे तो वो ट्रिमिंग कहलाएगी। उसी शेप में काम करने को, कट करने को ट्रिमिंग बोलते हैं। और दूसरा, अगर ये तो रही जो हमने हेयर कटिंग आपको बताई है, बाकी कोई सी भी हेयर कटिंग है, लेयर हेयर कटिंग है या मल्टी स्टेप वाली है या बॉय हेयर कटिंग है या फिर देखिए फेदर है या फिर बहुत ज़्यादा वी शेप जो होता है, डीप वी शेप, वो हेयर कट है, तो उसमें फिनिशिंग क्लाइंट को बार बार इसलिए दिलवानी पड़ती है कि वी शेप हेयर कटिंग के डैमेज हेयर बिल्कुल बहुत जल्दी दिखाई देते हैं। तो उस किसी भी हेयर कटिंग में हम अगर डैमेज हेयर को रिमूव करेंगे, आधे इंच से 1.5 इंच तक के हेयर को कट करेंगे, शेप नहीं, शेप वही रहेगी, केवल डैमेज हेयर रिमूव करें, उसको ट्रिमिंग बोलते हैं। तो विश्वास है आपको ये समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स के हेयर कटिंग और ट्रिमिंग में क्या अंतर है। हमने देखा है बहुत सारे पार्लर भी अच्छे हाई फाई खुले हुए हैं लेकिन उनको ट्रिमिंग और हेयर कट की डेफिनेशन नहीं मालूम है, मालूम नहीं है कि ट्रिमिंग में क्या अंतर है और उसमें क्या अंतर है। तो विश्वास है आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से कि हेयर कटिंग और ट्रिमिंग में ये अंतर है। कटिंग में हम कोई सा भी शेप लेंगे, कोई सी भी कटिंग करेंगे, उसको एक नए सिरे से हेयर कट करने को कटिंग बोलते हैं। और जो शेप बालों की है, जो हेयर कट है, उसमें हम डैमेज हेयर को रिमूव करते हैं, उसको हम ट्रिमिंग बोलते हैं। तो फ्रेंड्स विश्वास है आपको पसंद आया होगा, काफ़ी यूजफुल वीडियो रहेगा मेरे बिगनर्स के लिए, मेरे स्टूडेंट के लिए। आपको वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। ओके बाय, थैंक यू।